नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। बूंदी में चौथ माता मंदिर को ओढ़ाए जाने वाली 101 मीटर चुनरी की पूजा अर्चना की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व वित्त राज्य मंत्री हरिमोहन शर्मा मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम से पूर्व शिव कीर्तन मंडल के संरक्षक ने अतिथियों का स्वागत किया। इसके पश्चात वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ चुनरी की पूजा अर्चना की गई और रेत वाले महादेव से बाणगंगा स्थित चौथ माता मंदिर तक 101 मीटर चुनरी का विशाल जुलूस निकाला गया। भाजपा अजमेर देहात जिलाध्यक्ष और पूर्व विधायक देवी शंकर भूतड़ा ने मोदी सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने इन 8 वर्षों में नए भारत की आधारशिला रखने का काम किया है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में केंद्र की मोदी 2 सरकार के 3 साल और टोटल 8 साल पूर्ण होने पर ये प्रेस वार्ता रखी गई थी। मोदी सरकार के इन 8 सालों के अंदर गांव, गरीब, किसान, युवा, महिला वर्ग के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं लाए, उन कल्याणकारी योजनाओं से जो उनके जीवन स्तर आगे बढ़ा, मैं समझता हूं कि पहली बार अस्मरणीय कार्य किए मोदी सरकार के इस कालखंड में। न केवल देश की विश्व में ख्याति बढ़ी, बल्कि मोदी सरकार ने इस कालखंड में कोरोना की महामारी के बाद भी उससे उभरते हुए आम आदमी को और विशेष रूप से गरीब को, किसान को, महिलाओं को, हमारे अनुसूचित जाति के वर्ग को ये विश्वास पैदा किया कि ये कोई काम कर सकती है तो वो केंद्र सरकार ही कर सकती है। 12 शहर की गोपाल कॉलोनी में एक अतिक्रमण और नालियों के सफाई नहीं होने से सड़क पर पानी भर जाता है। इस समस्या को लेकर वार्डवासियों की परेशानी बढ़ती जा रही है। वहीं वासियों ने सफाई की मांग को लेकर सड़क पर जाम लगा दिया। मामले की सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर समझाइश की। इसके बाद मौके पर पहुंची नगर परिषद टीम ने नाले की सफाई शुरू की। इसके बाद लोगों ने रास्ता खोला। जो हमारे मोहल्ले में जो नाली है, कम से कम उसको 2 साल हो गया। अच्छा। 2 साल से पानी भरा रहता है रोज। इसको 10 बार तो हम एप्लीकेशन दिया है नगर पालिका में, कभी सफाई नहीं करते हैं ये। अच्छा। जब एप्लीकेशन देने जाते हैं तब कहते हैं बस कल हो जाएगी, कल का नाम लेके 2 साल हो गए इसको, इसलिए हमें आज जाम लगाना पड़ा यहाँ पे। कहते परेशान हो गए नगर पालिका में, हर जगह एप्लीकेशन दे दी, करवा देंगे 2 साल परेशान हो गए। आज इसी परेशान हो गए, आना पड़ा। नाले निर्माण मेन तो ये नाले निर्माण की समस्या है। अच्छा। ये नाला के आज के नाली का रूप ले चुका है। हाँ। जिसके कारण और नाला ओपन भी है, पाइपलाइन भी है, और 8-10 जगह इस पर बैंड हुआ है। कई लोगों ने इसके द्वारा खड़े बना के अतिक्रमण किया हुआ है, जिसकी वजह से आए दिन इस पर जाम की समस्या रहती है। तो आप मौके पे पहुंच के काम करवा रहे हैं? हाँ, काम करवा रहा हूँ, इसको खुलासा पोर्ट नाले तक करवाऊंगा। दूधू उपखंड क्षेत्र में साली गांव की रेखा चौधरी ने क्षेत्र का नाम रोशन करते हुए 8849 मीटर की दूरी तय कर माउंट एवरेस्ट की चोटी पर फतह हासिल की। वहीं रेखा चौधरी के दूधू पहुंचने पर इस उपलब्धि पर दूधू प्रधान रवि चौधरी ने रेखा चौधरी का भव्य स्वागत किया। वहीं इस दौरान रेखा चौधरी ने जनता से अपील करते हुए कहा कि लड़कियों को पढ़ाओ और आगे बढ़ाओ, जिससे समाज और क्षेत्र का अपना नाम रोशन करेगी। हनुमानगढ़ में अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति की ओर से पौष्टिक आहार का वितरण किया गया। आपको बता दें कि जिला कलेक्टर नथमन डिटेल की प्रेरणा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत ग्राम पंचायत 2 KNJ के किसी भी परिवार में बेटी का जन्म होने पर उनकी मां को आवश्यक पौष्टिक आहार का वितरण करने का बीड़ा उठाया है। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में जिला कलेक्टर नथमन डिटेल और विशिष्ट अतिथि SDM अवि गर्ग ने भी मौजूदगी दर्ज कराई। सवाईमाधोपुर के बामनवास में गांव के सभी स्टूडेंट्स जो BSTC और BED परीक्षा देना चाहते हैं, उन सभी छात्रों के लिए निशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की गई है। फिलहाल 20 छात्र इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं। तेजराम मीना और सतीश प्रजापति जाहिरा द्वारा संयुक्त रूप से पूरे सिलेबस को कवर करते हुए अध्यापक कार्य और संपन्न करवाया जा रहा है। फिलहाल खबरों में इतना ही, आप देखते रहिए TPV न्यूज़।